अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। की उम्मीद करता आप सब भी खैरियत से होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। सो फाइनली बैक आ चुके एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को रीजन के टॉप 50 प्लेयर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये कोई कस्टम रूम नहीं रहने वाला यार, ये VR रैंक ही मौजूद होगा। और आप लोगों को अगर फ्रेंडली से अगर मैं उन बंदों को दिखाता चलूं जो कि अभी के टाइम पर आप लोगों को रीजन में भी देखने को मिल सकते हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। अली गुरु, गुज्जर, मान गेमिंग और इसी के साथ साथ यहां पर मिस्टर OVVK जो के मौजूद रहने वाले, और वन मैन आर्मी, और इसी तरीके से काफी ज्यादा खतरनाक प्लेयर्स फेम गेमिंग लाइक ISI रॉयल, लाइक इस तरीके से यार बहुत हैवी हैवी प्लेयर्स इस लॉबी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले थी। तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंटेंस मोमेंट बहुत ज्यादा थे यार, और भाई के क्लचेस जो के बहुत जबरदस्त थे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। एंजॉय गेम प्ले। आज की लॉबी इतनी हार्ड थी कि यार बाइक की लैंडिंग जो के थोड़ी सी साइड पर रहने वाली है। आज ग्रिफियार्ड यहां पर लैंडिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर क्योंकि उतरते ही फिनिश हो गए थे, और अब हम लोग लॉन्च पैड लेकर जाते हैं जिस बंदे ने मुझे फिनिश किया था, और उसी को ही जाके दोबारा से पकड़ते हैं। और वो बंदा यहां पर बैठा हुआ हील कर रहा है, और यहां पर UMP के साथ मैंने यहां पर शॉट कराया, और वन मैन आर्मी ही है यहां पर। उतरते ही यहाँ पर पहला तो बंदा चलो गया, यहाँ पर एक्समेट वगैरह तो होगी, एक्समेट उठाते हैं बस जल्दी जल्दी से। और दूसरा बंदा नजर आया, उसको मैंने यहाँ पर डैमेज कराया, और अब निकल के तो मुश्किल है। वो आए, अरे नीचे गिरने लगा था, बच गया हूँ। ओके, यहाँ पर पूरा स्क्वाड बैठा हुआ है अब, लेकिन थोड़ा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। अब यहाँ नीचे जाते हैं जल्दी से, यहाँ पर देखते हैं कोई आप आए। सामने ही आ गया, और ये बेचारा आया, इसको उंगली रेड कराए, और अली एक्स गुरु जो के भाई साहब। ओके, दूसरा बंदा भी गया, पर इनका तीसरा टीममेट जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, और मेरा टीममेट आगे इसके ऊपर जंप करता हूँ, और ये फाइनली ये निकल गया, और रेड नंबर्स के साथ साथ यहाँ पर उसका नाम भी रेड मून है। ओके, यहाँ पर तीन प्लेयर्स को यहीं पर ही शट डाउन करूंगा, और बहुत ही प्यारे प्यारे रेड नंबर्स के साथ यहाँ पर स्टार्ट। तो शुरुआत हमारी काफी जबरदस्त हो चुकी है, यहाँ पर लूट वगैरह भी यहाँ पर काफी मजे की हो गई है। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, और कोई और टीममेट अगर यहाँ पर है तो उनको भी पकड़ना बाकी है, क्योंकि ग्रेवियर्ड के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी आवाम उतरती हुई दिखाई दी थी आप लोगों को। और वो देखो OV भी लैंड हुआ, और OV भी यहीं पर ही है भाई साहब। यहाँ पर एक रियल OV भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक फेक OV भी, दोनों ही OV यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं हमारा वास्ता किसके साथ पड़ता है, क्योंकि रियल OV को तो यहाँ पर पकड़ा मान गेमिंग ने, यहाँ पर फिनिश भी कर रहा है। और तब तक देखते हैं यहाँ पर इनका कोई और टीममेट यहाँ पर तो नहीं लैंड हुआ आई थिंक, मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्च पैड लेकर यहाँ पर निकला है कोई ना कोई यहाँ पे। यहाँ से आप लोग भी यहाँ पर उसी के पीछे निकलता हूँ मैं भी यहाँ पर, तो क्या पता कोई आज। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हम लोग मैं यहाँ पर लूट वगैरह की, मैंने यहाँ पर मुझे कुछ खास नहीं मिला। 1.87 और XM8 अब यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर बंदा जो के उतरा और वो टोकन क्लेम करने के लिए गया, तो उसको पकड़ते हैं, क्या पकड़ पाए। तो स्कोप इन करता हूँ, ट्राई किया और बहुत प्यारे रेड नंबर लगे, और उसी के साथ यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। कहीं ना कहीं बंदा सर्वाइवर था, और सर्वाइवर की हम लोगों ने ले ली है। किल्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो यार, नीचे किल्स आ रहे हैं सभी प्लेयर्स के, जितने भी लेजेंड यहाँ पर रीजन के अंदर टॉप 50 में बैठे हुए हैं वो सभी किल करते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। लेकिन बुया किसके किसका निकल के आने वाला है ये चीज देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर भाई आप लोगों का लूट करके स्कार डबल चिप किया, अब यहाँ पर व्हीकल आ रही थी, हम लोगों ने कहा कि यार इस व्हीकल को पकड़ेंगे, और हम लोगों ने सभी ने मिलकर यहाँ पर व्हीकल को फौरन डिस्ट्रॉय किया। और अबिलिटी का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, और वो बंदा बहुत तेज है और लॉन्च पैड लेके निकलता है, मैं इसका डैमेज कराता हूँ। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि यार सारे ही भाई लॉन्च पैड लेके इसके पीछे निकलो जल्दी जल्दी से। अब वो बंदा दोबारा से नीचे लगा, और वो देखो दूसरा लॉन्च पैड उसने ले लिया है, और वो अब निकलना चाह रहा, मतलब बच के कहीं ना कहीं या तो वो आखिरी बंदा है या सर्वाइवर है, दोनों में से कोई एक चीज है कि यार बंदा जितने तेजी से वो भाग रहा है ना, क्योंकि फाइट बिल्कुल नहीं ले रहा। अब यहाँ पर लॉन्च पैड, उसी का लॉन्च पैड हम लोग यूज करेंगे यहीं पर, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं है। अब बंदा यहाँ पर बैठा हुआ फायर करता है, उसने यहाँ पर भाई मॉन्स्टर ट्रक मंगवा लिया बंदे ने, लेकिन निकलने नहीं देंगे। और फाइनली यहाँ पर फिनिश कर दिया गया बंदे को, बहुत जबरदस्त। और अब ये वाला मॉन्स्टर ट्रक भी हमारा हुआ चार्ज मिस्टर भाई साहब। अब चलो भाई चार्ज मिस्टर चलाते हैं, आज यहाँ पर चार्ज मिस्टर आ गई है, देखो क्या सीन होता है। काफी देर के बाद हम लोग शक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब यहाँ पर टोकन वगैरह मैं क्लेम कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। और ऊपर भी देखो छत के ऊपर बंदा है, और वो नीचे आया है। ओके, आई थिंक उसने मुझे देख लिया चार्ज मिस्टर। अब यहाँ पर मैंने भी शॉट कराया उसको, यहाँ पर
मैं भी नॉक, वो भी नॉक, वन मैन आर्मी भाई साहब, दोबारा से फिर आमना सामना। और मेरे पास एडवांटेज है क्योंकि मेरे टीममेट मेरे साथ ही थे और उन्होंने मुझे अब फौरन रिवाइव किया और वो फौरन से फिनिश हो गया। उसको लगा कहीं ना कहीं इमोट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था क्योंकि लॉबी इतनी हार्ड थी भाई, टाइम ही नहीं था इमोट करने का। अब यहाँ पर अब मैं पहले मेडी करने का सोचता हूँ, लेकिन ट्रीट करके अच्छी फुल कर दिया, एबिलिटी का यूज किया क्योंकि यहाँ पर बंदे देखने को मिले थे यहाँ पर। तो देखो दो बंदे बैठे हुए, एक को ओनली रेड कराया, दूसरे को भी यहाँ पर मैंने शॉट बड़े हैवी किस्म के कराए और तीसरा बंदा जैसे ही मुझे नजर आया मैंने उसको भी यार ओनली रेड स्कोप इन में करा दिया। तीन प्लेयर यहीं पर ही और अब इनका आखिरी बंदा जो कि मुझे लग रहा है भागने की कोशिश करेगा। देखो पंगा तो ले लिया, देखो उसने आखिरी बंदा ये हो सकता है उन्हीं का ही हो। व्हीकल मैंने डिस्ट्रॉय किया, अब यहाँ पर मेरा लॉन्च पैड है और कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, सुकून से जाऊंगा। अगर तो ये आखिरी बंदा ना भाई फिर तो बहुत मजा आने वाला। वो देखो कैसे भाग रहा है और इसके पीछे एक लॉन्च पैड लगा रहे हो रे भाई, जब स्कोपिन में 71 का हेडशॉट और फॉक्स से स्क्वाड वाइप आउट और 9 किल्स के साथ यहाँ पर मौजूद भाई आप लोगों का और 35 प्लेयर स्टिल अलाइव, आप लोग चेकआउट कर सकते हो यार। जोन के अंदर लूट हम लोगों की ये भी कर ली है और अब यहाँ पर हम लोग लॉन्च पैड लेकर फिर से जोन की रीच करेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि जो जोन से बंदे आ रहे हैं ना उनको पकड़ते हैं। एल शेप जो कि काफी एडवांटेज में है, तो यहाँ पर एल शेप के पास ही हम लोग वापस घूम फिर के पहुंचे हैं और अब देखते हैं यहाँ पर हमें कोई बंदा देखने को मिला। नीचे फाइट चल रही है जो कि मैप के अंदर डिस्प्ले आप लोगों को देख सकते हैं बंदे, और इनको पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से। अगर वो ऊपर की तरफ जैसे आते हैं, वो देखो वो ट्रीट भी कर रहे हैं, मतलब स्क्वाड है यहाँ पर। ओके इसको स्कोपिन और रॉय गया, ओके एक बंदा गया और काफी, और ये दूसरा भी, और रे भाई साहब क्या ही यार, आई तो हैकर रहा है, जॉट चल रहा हूँ यार मैं तो। अब यहाँ पर रिवाइव तो कर दिया उस बंदे ने, लेकिन निकलने तो नहीं दूंगा और स्क्वाड वाइप आउट भाई। चलो भाई ये ही गया यार, अन्याय हो गया इनके साथ तो बहुत गंदे वाला यार। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम लोग सकती वापस जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, जोन हम लोगों ने कवर अप कर लिया। बंदे यहाँ पर मिशन करने में इतने बिजी थे लेकिन बेचारे डर के मारे ना बाकी हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं। अब यहाँ पर एक को मैंने नॉक कर दिया, तीन बॉडियां लगा के ही नॉक कर दिया। और यार तुम लोग जोन भी चेक करो, बंदे चेक करो, और ये बेचारा बंदा कहाँ फंस गया वो भी यही सोच रहा होगा एजेंट 46 यहाँ पर कि यार मेरे साथ हुआ क्या। चार दिवस से चल रही थी UMP ड्रैगनोव यार, क्या कुछ होने वाला है। अभी भी यहाँ पर सारे स्क्वाड आप लोगों को स्टिल देखने को मिल सकते हैं यार, अभी भी सारे रीजन के प्लेयर्स बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कुछ हुआ ही नहीं है बैठे हुए हैं जोन के अंदर। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर शॉट कराया, तो हम लोगों ने कहा यार भागते हैं इसकी तरफ यार, कहीं ना कहीं ये वाला बंदा जो कि आएगा जरूर, वही चीज वो बंदा जैसे ही निकल के आता सामने, मैं 4 बजे यहाँ पर शॉट कराता हूँ उसको, यहाँ पर नॉक करता हूँ और जल्दी से यहाँ पर इसको फिनिश भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर लूट वगैरह कुछ देखने को मिल जाए तो एमओ जाऊँ, क्योंकि यार एमओ की शॉर्टेज थोड़ी सी हो गई है। अब मेडी खेडी भी लगा लेते हैं यहाँ पर साथ साथ, और फिर हम लोग जोन की तरफ भी जाएंगे क्योंकि 14 किल्स भाई के हो चुके हैं और 17 प्लेयर अभी भी हैं। मतलब अगर मैं किल करना चाहूँ तो यहाँ पर 25 किल्स भी कर सकता हूँ यार, इतने बंदे स्टिल अलाइव हैं। अब तुम लोग चेक करो यार, ये बंदों का दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि यार ये लूट के चक्करों में बस टोकन को बर्बाद कर रहे थे और बॉक्सेज ऐसे खोली जा रहे थे, ऐसे खोली जा रहे थे भाई। लूट चेक करो यार कितनी पड़ी हुई है यार यहाँ पर, एस्टिमेट तुम लोग लगाओ सारी गलत यहीं पर मैक्स पड़ी हुई है यार। हम लोग कौन कौन सी गन उठाए, हम लोगों ने स्कार ट्रिपल उठाई, अब यहाँ पर बंदे को हमारे पड़ी हेडशॉट पता नहीं कहाँ से, और हम लोगों ने फौरन से वॉल लगाकर इसको रिवाइव दिया और यहाँ पर जोन की इसको रीच करवाने के लिए ट्रीटमेंट पीछे साथ साथ लगे रहे हम लोग यहाँ पर। और अब यहाँ पर फाइट बहुत इंटेंस जाने वाली है क्योंकि सभी स्क्वाड पोजिशन होल्ड करके बैठे हुए हैं। मलंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फिनिश हुआ है और यहाँ पर जानी लोग जो कि कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, आप देखते हैं क्या होता है। ये वही जानी सर्वाइवर कहीं ना कहीं जो जिसको मैंने पकड़ा था, आई थिंक ये वही है शायद। और ब्लोच को पड़ी है, ओके मेरे मिशन तो हो गए थे ब्लोच को। अरे डैमेज पत्थर के पीछे कैसे दे रहे हैं यार, वही बड़ा गंदे वाला डैमेज दे रहे हैं यार। 14 किल्स भी हैं और 40 प्लेयर्स स्टिल अलाइव भी हैं यार, वही अब देखते हैं कोई नजर आए तो पकड़े उसको। ओके यहाँ पर वही वो देखो नीचे ही बैठे हैं बंदे, ओके ग्लोबाल के पीछे भी हैं इनको अभी यहाँ पर। ओके जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, मलिक शर्जी ले गया। ओके मलिक लोग भी हैं जिंदा भाई, चलो भाई सामने मुंडी दिखाओ, मुंडी दिखाओ, मॉन्स्टर ट्रक मंगवाया बंदे ने और अब यहाँ पर कोई मुंडी दिखा दे तो मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि किल्स तो 14 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर बड़ी जो सुपर मेडिकेट होते हैं वो मैंने एक दो उठाई हैं और यहाँ पर अब निकलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर फाइन गिवर भी भाई, अभी तक सारे बंदे यार बैठे हुए हैं अभी भी यार, ज़बरदस्त मान। यहाँ पर मेरे पास यूविया थे तो मैंने कहा एडवांटेज लेते हैं यूविया का भी यार, पोजीशन एक्सपोज करते हैं सभी की यार। ज़बरदस्त मान यहाँ पर फिनिश कर रहा है स्क्वाड्स को काफ़ी हैवी अंदाज से। हम लोगों ने कहा मॉन्स्टर ट्रक को जल्दी से उड़ाते हैं यार, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक उड़ा दिया ना तो लास्ट जोन में ना कुछ गड़बड़ हमारे साथ नहीं होनी, वरना यार मॉन्स्टर ट्रक उड़ाते रहते हैं, समझ रहे हो ना।
हमारे बंदे के पास एडवांटेज है यहाँ पर, मैंने ट्रीट किया इसको यहाँ पर क्योंकि फिनिश होता काफी तेजी के साथ, लेकिन उसके बाद सेल्फ हील था तो वो हील भी कर रहा था साथ साथ। यहाँ पर नीचे वाला स्क्वाड भी अपने आप को सेल्फ हील कर रहा है भाई, उनके पास भी स्क्वाड है, वो एक दूसरे के साथ लगे हुए। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जैसी जो कि एबिलिटी थी टॉलमेट की और मैंने फौरन से लगाया, उसके पीछे चार बजे की शॉट लगाई, मेरे चैजी ही था यहाँ पर, इसको मैंने नॉक किया। अच्छा दूसरे पर मुझे लग रहा था ग्लोबल के पीछे, लेकिन वो इधर बैठा हुआ था भाई। अब यहाँ पर ये बंदा दोबारा से देखो, अगर मैं कहीं और चला जाता ना तो ये बंदा क्या पता सेल्फ फील कर लेता, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सबर किया तो एडवांटेज रहा मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास सुपर मेडिकेट, तो मैंने अगर सुपर मेडिकेट लगाते हैं जल्दी से, 15 किल भी हो चुके हैं और आखिरी बंदा बचा यहाँ पर, तो आखिरी बंदे को भी पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से ऊपर जाकर। और मैंने चाय बस्टर लोड की हुई है, लेकिन निकले तब की बात है यार। ओके मान भी तो रेस्ट कर रहा है, मान लीजिएगा, आई थिंक मुझे लग रहा है पकड़ लेगा। निकला भाई, कोई ले गया फेम गेमर ही था भाई साहब, जबरदस्त यार। भैया कंप्लीट हो गया, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।